हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुजी बाबा रामदेव के वेलनेस सेंटर में हूं और मैं यहां के बारे में आप लोगों को कुछ दिनों में जो भी मेरे वीडियोज आएंगे यहां का मैं डिटेल आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। जैसे कि बाबा रामदेव का योग भवन कैसा है, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, बाबा रामदेव का जो चिकित्सा प्रणाली है वो किस तरीके से चिकित्सा करते हैं मरीजों का, और बाबा रामदेव के यहाँ जो ठहरने का जो व्यवस्था है उन सारे विधि व्यवस्थाओं को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि हालांकि यहाँ पर जो भी ठहरने का जो व्यवस्था है 5 स्टार से कम आपको महसूस नहीं होगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर जो किनारे किनारे जो भी देख पा रहे हैं वो संपूर्ण उन्हीं का ठहरने का ये व्यवस्था है। सबका अलग अलग नाम दिया हुआ है, कहीं पर गौतम 1 लिखा हुआ मिलेगा जहाँ ठहरने का व्यवस्था है, तो कहीं पर वशिष्ठ लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि गुरुजनों के नाम पर ही यहाँ पर जितने भी ठहरने का लॉज समझिए या होटल समझिए रूम समझिए उसका नाम दिया गया है, यानी गुरुओं का यहाँ पर नाम से ही ठहरने का जो अपार्टमेंट है उसका नाम है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं सारे ठहरने का जगह है, इन सारी चीज़ों का संपूर्ण जानकारी यानी कि पतंजलि वेलनेस सेंटर फेज 2 के बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आने वाले जो भी मेरे वीडियोज होंगे एक एक करके मैं वीडियो लाऊंगा, उन वीडियो में सारे एक किनारे से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा और आने वाले जो भी वीडियोज रहेंगे उन सबों पर भी आप बने रहिएगा। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो किस प्रकार से यहां अपॉइंटमेंट लेना है, कितना यहाँ का फीस है, किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है, इन सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और आप कब यहाँ पर आ रहे हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं और कैसा आप लोगों को लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वर्तमान में गर्मी की छुट्टियाँ बिताने यहाँ पर आया हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं पहाड़ों में वादियों में घूमने के लिए जाते हैं, एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और देखें, आपको पहाड़ी वादियों से कम यहाँ महसूस नहीं होगा। जहाँ तक हम लोग देखते थे बाबा रामदेव को TV में या किसी कार्यक्रम में, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो इस साम्राज्य को खड़ा किया है, लोगों को रोग मुक्त विश्व को यो एक संदेश देना चाहते हैं और उन्हीं के बदौलत आज पूरे वर्ल्ड में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सही में उनके द्वारा किए गए काम को यहाँ पर देखने से महसूस होता है, यह कुल्लू मनाली और जम्मू कश्मीर से कम आपको महसूस नहीं होगा। इन सारी पतंजलि वेलनेस सेंटर के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को आने वाले दिनों में बताने वाला हूं, इसलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों को यहां की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। और हमारे चैनल जो बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल के नीचे जो ब्लैक कलर में आजकल सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर पसंद आएंगे तो ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। चलिए आने वाले दिनों में आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगा पतंजलि वेलनेस सेंटर का। जय हिंद, वंदे मातरम।